आइए आज हम बनाते हैं सेवई इडली। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, ये इसके साथ हम नारियल की चटनी भी बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सेवई इडली और नारियल की चटनी। तो देखिए, सेवई से इडली बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी सेवई लिया है। ये इस तरीके से कढ़ाई में डालकर इसको भून लेंगे। हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो एक चम्मच इसमें तेल डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें यहाँ पे तेल नहीं डाला है। और इस तरीके से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए, इसको लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करें, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएगी और एक साइड से कच्ची रह जाएगी। इसलिए इस तरीके से इसको चलाते हुए इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, सेवई हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और अब हम इसको अलग एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, सेवई हमने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में एक कटोरी सूजी हम डालकर इसको भी फ्राई कर भून लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा ही भूनना है सूजी को हमको। तो देखिए, सूजी को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज किया है, हल्का सा कच्चापन निकलने तक भूना है। और अब इस सूजी को भी हम उसी सेवई के साथ पलट देते हैं। तो देखिए, सेवई के साथ ही इसी सूजी को भी पलट देते हैं हम। और थोड़ी सेवई हमने अलग निकाल लिया है, इसको हम बाद में बताते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। इस कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल डालकर तड़का तैयार कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच उड़द दाल और इसको अच्छे से चटका लेते हैं। और 1/2 चम्मच राई, दोनों को अच्छे से चटक जाने देंगे। देखिए, राई और उड़द दाल चटक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें करी पत्ता डाल देते हैं। करी पत्ता हमने बारीक कट करके डाला है। देखिए, अब ये तड़का जो हमने तैयार किया है इसको इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको ठंडा हो जाने देते हैं हम। देखिए, जब तक सूजी हमारी ठंडी हो रही है तब तक इडली स्टैंड को हम अच्छे से तेल लगा कर ग्रीस कर लेते हैं। तो आप इसमें तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। सभी खानों में इस तरीके से हल्का हल्का तेल लगा देंगे ताकि इडली हमारी अच्छे से निकल सके। इस तरीके से हम सारे खानों में तेल लगा देते हैं। देखिए, सूजी अब हमारी ठंडी हो चुकी है। सूजी और सेवई जो भी हमने फ्राई करके रखा है वो सब ठंडा हो चुका है। और अब हम इसमें डालते हैं 1 कटोरी दही। और इसका जैसे सूजी की इडली हम बनाते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, उतना पतला घोल नहीं तैयार करेंगे। और 1 कटोरी हमने दही डाला है और अब हम 1/2 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब आप इसमें इस स्टेज में कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं और कोई सब्जियां अगर मिक्स करना चाहते हैं वो भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। देखिए, इस तरीके से हमने टोटल 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दही डाला है इसमें। तो देखिए, इतना गाढ़ा घोल है ये।
देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। देखिए नमक डाल दिया है हमने इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। तो देखिए अब हम इसको भीगने के लिए रख देते हैं सूजी हमारी, ताकि अच्छे से फूल सके। और अब हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम ये नारियल की चटनी तैयार करेंगे। तो आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उसका यूज कर दीजिए, वो उस समय मेरे पास नहीं था, इसलिए हमने ये जो नारियल का गोला आता है, तो अगर आपके पास ताज़ा नारियल है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास वो भी नहीं था, तो इसलिए इस नारियल को हमने पीछे का छिलका हटा कर इसको कट करके बारीक बारीक थोड़े से पानी में हमने भिगो दिया है 5 मिनट पहले। तो इसको डाल देते हैं इसमें हम, और ये थोड़े से भुने हुए चने डाल देते हैं। आपके पास अगर भुने चने नहीं हैं तो आप जो चने की दाल होती है उसको हल्की से फ्राई करके वो डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक, और हरी मिर्च इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे एक। और ये हमने एक नींबू का रस लिया है वो इसमें डाल देते हैं। अगर आपको नींबू का रस टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो देखिए इस चटनी को हमने बीच बीच में रुक रुक कर बारीक पीस लिया है, और अब हम इसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। देखिए चटनी को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इस जार में हल्का सा पानी डालकर इसको इसमें डाल दिया है। चटनी आप अपनी इच्छा से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, कि आप जितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं उतनी गाढ़ी रख सकते हैं चटनी को। और अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। देखिए इसके तड़के के लिए हमने ये एक पैन लिया है, इसमें एक चम्मच तेल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच उड़द दाल, उड़द दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं राई, राई को भी चटक जाने देते हैं। और राई भी चटक गई है, अब इसमें एक ये सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं, और वो सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसमें करी पत्ता डाल देते हैं। करी पत्ता गैस की फ्लेम बंद हो करने के बाद ही डालें। और अब ये पहले से तैयार चटनी में इस तरीके से तड़के को डाल देते हैं। तो देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है, नारियल की चटनी इडली के साथ सर्व करने के लिए। तो आइए अब हम इडली बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए घोल को रखे भी 10 मिनट हो गए हैं, तो देखिए घोल बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हल्का सा गाढ़ा लगे तो इसमें से 2 चम्मच पानी हम और डाल लेते हैं। हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे हम सूजी की इडली बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा ये घोल, तभी इडली अच्छी बन पाएगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है इस घोल को। तो देखिए इस तरीके का घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं, कटी हुई बाकी की सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास धनिया नहीं है तो इसलिए हम उसको स्क्रिप कर रहे हैं। अब इस तरीके से लेंगे ये इसके स्टैंड, और ये एक एक काजू इस तरीके से हम रख देते हैं गार्निशिंग के लिए। ये हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए ले रहे हैं, आपकी इच्छा ना हो आप इसको स्क्रिप कर सकते हैं। और ये जो हमने पहले से सेवई जो ये निकाल के रखी है इसको थोड़ी थोड़ी डाल देंगे नीचे। देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सेवई नीचे डाल देंगे, और उसके बाद इसमें ये घोल हम डाल देते हैं।
इस तरीके के हम सारे खाने बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरे सांचे में भी इस तरीके से काजू नीचे रखेंगे, और इसमें हम सेवई नहीं डालते हैं, बिना सेवई डाले हम करते हैं। तो आप देखिए दोनों में कितना फ़र्क आ जाएगा, और आप इसमें इनो फूड सॉल्ट या मीठा सोडा डाल सकते हैं, लेकिन मेरा दही ज़्यादा खट्टा था इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, और आप इसमें डाल भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारे सांचों को भरकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे सांचे को भरकर तैयार कर लिया है। तो देखिए इडली को बॉयल करने के लिए हमने ये भगोने में पानी रखा हुआ है, और इसमें इस स्टैंड को बड़ी सावधानी से हम रख देते हैं, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और इसको ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। इनको पकाते हुए 10 मिनट हो गया है, हम खोल कर चेक कर लेते हैं, और इस तरीके से एक चाकू डालेंगे। देखिए क्लीन निकल रहा है, इस मतलब ये पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसको बड़ी सावधानी से बाहर निकाल के रख देते हैं, पानी से बाहर अलग कर देते हैं, और इसको जब ठंडा हो जाएगा तभी हम जो है कि अलग करेंगे इडली। देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, इस तरीके से चाकू से हल्का सा छुड़ा कर इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फूली फूली हमारी स्पंजी सेवई इडली बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। इसी तरीके से हम सारी इडली इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए कितनी स्पंजी और फूली फूली इडली बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए जिसमें हमने ऊपर से सेवई लगाया था उसका डिज़ाइन अलग दिख रहा है, और जिसमें नहीं लगाया था तो देखिए आप वो डिज़ाइन अलग ही दिख रहा है। इस तरीके से आप जैसे भी बनाना चाहें, अगर सेवई अलग से लगाना पसंद करते हैं तो लगाइए, वरना स्किप कर दीजिए और इस तरीके से बना लीजिए। कितनी अच्छी फूली फूली हमारी इडली बनकर तैयार है। तो देखिए बनकर तैयार है ये सेवई इडली, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ में ये इमली नारियल की चटनी इसके साथ खाने के लिए, इसके साथ सांभर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको नारियल की चटनी के साथ ही सर्व कर सकते हैं।